सिलक्यारा सुरंग हादसे में बड़ी सफलता मिलती नजर आ रही है। हादसे के 17वें दिन रेस्क्यू ऑपरेशन पर काम चल रहा है। मजदूरों के जल्दी बाहर आने की कामना की जा रही है। सिलक्यारा सुरंग से श्रमिकों को निकालने के बाद अस्पताल पहुंचाने की पूरी तैयारी भी कर ली गई है। मजदूरों को एयरलिफ्ट करने की तैयारी हो चुकी है। चिन्यालीसौड़ हवाई पट्टी पर चीनूक हेलीकॉप्टर मौजूद है। बता दें कि ऋषिकेश के एम्स में भी इमरजेंसी के लिए तैयारी कर ली गई है। उत्तरकाशी सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बचाने के लिए चल रहे बचाव अभियान की तस्वीरें भी सामने आई हैं। पाइप के जरिए अंधेरी टनल से मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। 41 मजदूरों को उत्तरकाशी में सिलक्यारा सुरंग से बाहर निकलने के बाद चिकित्सा के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिन्यालीसौड़ लाया जाएगा। जैसे जैसे श्रमिक बाहर आएंगे वैसे वैसे अस्पताल में हलचल बढ़ेगी। सुरक्षा बढ़ाते हुए आईटीबीपी की तैनाती भी कर दी गई है। किसी को भीतर जाने की अनुमति नहीं है। उत्तरकाशी में सिलक्यारा सुरंग में फंसे हुए मजदूरों को बाहर निकालने का सिलसिला जारी है। मजदूरों के परिवार वालों के चेहरे पर खुशी की लहर है। सभी ने अपनों के स्वागत की तैयारी कर ली है। बताया जा रहा है कि बचाव टीम को 57 मीटर पर ब्रेक थ्रू मिला है। मुख्य सुरंग के भीतर चिकित्सकों की टीम श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण करेगी। केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौके पर मौजूद हैं।